द रियल इस्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आज फिर से लेके आए एक न्यू प्रॉपर्टी, 4 BHK का ये रो हाउस होने वाला है। काफ़ी ब्यूटीफुल ये रो हाउस है, इसका विजिट लेते हैं। वीडियो आप काइंडली एंड तक देखें। ये आपका मेन गेट देखने के लिए मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप एक 4-व्हीलर पार्क कर सकते हैं। फ्रंट के अंदर में काफ़ी बड़ी साइड का कॉन्क्रीट का रोड है। चलते इसका विजिट लेते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग टाइल का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप एक 4-व्हीलर इजीली पार्क कर सकते हैं, 2-व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर रहेगा इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक 2000 लीटर का, और इसके अंदर आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अवेलेबल होगा। ये इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अपना ट्री वगैरह लगा सकते, प्लांटेशन कर सकते, इतना स्पेस दिया है। और ये इसका पार्किंग का एरिया है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते आप। अपन चलते ये साइड से लिविंग रूम से एंट्री लेते हैं इसका। ये इसका लिविंग रूम है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं लिविंग रूम में, तो आपको यहाँ पर एक वुड का अच्छी क्वालिटी का डोर देखने के लिए मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। और इसके अंदर में मॉडर्न टाइप का लॉक देखने के लिए मिलेगा आपको। ये इसका लिविंग रूम है। इसके अंदर 2 वेंटिलेशन विंडो है। ये साइड से भी एक वेंटिलेशन विंडो है, और एक ये साइड से एक वेंटिलेशन विंडो है। इसके अंदर आपको POP डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। और ये इसका मीडिया वॉल आता है ये साइड से। यहाँ पर अपना TV लगा सकते हैं, 2 पॉइंट दिए गए यहाँ पर। और यहाँ पर L टाइप का आप सोफा लगा सकते हैं। ये इसका पूरा लिविंग रूम हो गया, ये पार्किंग हो गया इसका, और ये हो गया इसका लिविंग रूम। अब चलते इसके कॉमन टॉयलेट बाथरूम में। ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसके अंदर आपको मिनी साइज का एक सिंक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर टैप वगैरह की आप क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का इन्होंने टैप का यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अंदर में 9 फीट का टाइल वर्क है ये साइड से पूरा। और यहाँ पर गीजर वगैरह के लिए भी पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, और ये इसका लिविंग रूम हो गया। अब चलते इसके किचन के तरफ। यहाँ पर भी आपको एक स्पेस देखने के लिए मिलेंगी स्टेयरकेस के नीचे में। यहाँ पर अपना इररेगुलर सामान वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं, या तो इन्वर्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है इन्वर्टर के लिए। और यह आता है इसका किचन। ये इसका किचन है। किचन इसके अंदर में आपको L टाइप का देखने के लिए मिलेगा, 2 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। ये जो स्पेस है, तो ये स्पेसिफिक आप यहाँ पर फ्रिज लगा सकते हैं, डबल डोर सिंगल डोर यहाँ पर आप फ्रिज लगा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपना मिक्सर वगैरह लगा सकते हैं। और इसका इधर से वेंटिलेशन विंडो है, जो कि आपके वॉशिंग एरिया से जाके कनेक्ट है। यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर आपका एग्जिट फैन लगा सकते हैं, जो धुआं वगैरह होता है किचन से वो यहाँ से बाहर जाएगा। और ये इसका किचन है। किचन के सामने ये स्पेस है, तो यहाँ पर आप अपना 4-सीटर 6-सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इतना स्पेस दिया है। और ये किचन के एग्जिट सामने आता है, तो यहाँ आपको सर्व करने के लिए इजी होगा। यहाँ पर भी एक बड़ी साइज़ का वेंटिलेशन विंडो है, जो आपके वॉशिंग एरिया से जाके कनेक्ट है। और किचन के अंदर में भी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसके अंदर में एक कमोड है, और पीछे से एक डक के साथ में अटैच वेंटिलेशन विंडो है। और इसके अंदर भी मिनी साइज का एक सिंक देखने के लिए मिलेगा। टाइल वर्क हुआ है इसके अंदर, 8 फीट का टाइल वर्क है इसके अंदर में भी। ये इसका किचन है, और ये स्पेस दिया है किचन का, एक बड़ी साइज का इसके अंदर में किचन है। और चलते इसके वॉशिंग एरिया का विजिट लेते हैं। ये इसका वॉशिंग एरिया मिलता है आपको, ये पूरा इसका वॉशिंग एरिया है। और ये साइड से भी अभी पूरा टाइल वर्क आने वाला है। नॉर्मली आपका वाटर का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर में आपको ये साइड से ये जो क्वालिटी का टाइल है, वैसे ही आपको यहाँ पर टाइल वर्क आने वाला है। ये दिख रहा है आपको, तो ये पूरा क्लीन करके मिलेगा आपको। यहाँ पर एक टैप देखने के लिए मिलेगा आपको, और इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आप अपना वैसा जाली वगैरह का भी शेड कर सकते हैं। वो जो दिख रहा है लास्ट वाले रोज में, वैसा आप जाली वगैरह का शेड कर सकते हैं इधर से पूरा पैक करके। और ये इसका वॉशिंग एरिया है, काफ़ी बड़ी साइज़ का इसमें वॉशिंग एरिया है। वेंटिलेशन के लिए भी है ये साइड से पूरा, ये विंडो के लिए। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया कंप्लीट। इसका क्विक विजिट लेते हैं। ये इधर इसका वॉशिंग एरिया है, किचन है, और ये किचन का स्पेस है। यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पर भी एक टॉयलेट बाथरूम है। ये इसका पार्किंग है, ये इसका लिविंग रूम है, और सामने स्पेस है। हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर का विजिट लेते हैं। ब्लैक और वाइट का यहाँ पर टाइल का वर्क देखने के लिए मिलेगा आपको। और आपके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का विंडो दिया है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से आपको फ्रेश हवा देखने के लिए मिलेंगी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको AC रीलिंग का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम देखने के लिए मिलेंगे। चलते इसके फर्स्ट वाले बेडरूम में। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर भी एक वेंटिलेशन विंडो है, और ये आता है इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जो कि फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट बाथरूम है।
एक वेंटिलेशन विंडो है जो कि डक से जाके अटैच है। इसके अंदर में इंडियन टॉयलेट देखने के लिए मिलेंगे आपको, और गीजर वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है इसके अंदर में भी। ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। इसी के राइट साइड में आता है इसका ओपन टेरिस। यहाँ पर ओपन टेरिस मिलेंगे आपको काफ़ी बड़ी साइज़ का, आप यहाँ पर अपना बारबेक्यू कर सकते हैं या तो फिर चेयर वगैरह लगा के इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। या तो इसको शेड मार के एक रूम बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, ये काफ़ी स्पेस दिया है इन्होंने। ये इसका ओपन टेरिस हो गया, ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया। अब चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। ये इसका मास्टर बेडरूम है जो कि सेकंड बेडरूम है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा पीओपी डिज़ाइन किया है इन्होंने। एक वेंटिलेशन विंडो है जो कि सोसाइटी से जाके अटैच है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक बालकनी देखने के लिए मिलेगा ये वाले बेडरूम के साथ में। सेकंड बेडरूम के साथ में ये बालकनी आप यूज़ कर सकते हैं, और वो जो थर्ड बेडरूम है उसमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। ये इसका अटैच आपको टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर भी एक सिंक है, मिनी साइज़ का सिंक है। शावर वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने फिट कर दिया है, गीज़र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक पॉइंट दिया गया है, एक वेंटिलेशन विंडो है जो कि आपके डक से जाके अटैच है। और यहाँ पर एक कमोड देखने के लिए मिलेगा, ये इधर से इसका कमोड आता है। ये सेकंड बेडरूम के साथ में था अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये अटैच टॉयलेट बाथरूम ये वाले सेकंड बेडरूम के साथ है, और इसके साथ में ये वाला बालकनी है। अब चलते हैं इसके लास्ट और थर्ड बेडरूम में। ये इसका स्पेशियस थर्ड बेडरूम है, ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है। इसके अंदर में आपको पीओपी डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, और इसके अंदर में एक फ्रंट डोर है जिसके साथ में अटैच बालकनी है, ये देख सकते हैं। ये फ्रंट डोर है और ये इसके अंदर में पूरा बालकनी आता है। ये हो गया इसका लास्ट और थर्ड बेडरूम। इसके अंदर में मॉडर्न टाइप का लॉक देखने के लिए मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। इसका क्विक विजिट लेते हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम है, बालकनी है, ये इसका टॉयलेट बाथरूम है, और ये इसका लास्ट और थर्ड बेडरूम है। इसके साथ में भी वही बालकनी अटैच है। ये इधर से इसका ओपन टेरेस आता है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसका हो गया विजिट, चलते इसका ओपन टेरेस का भी विजिट लेते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी साइज़ का वेंटिलेशन विंडो है, और यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का टाइल वर्क देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक और व्हाइट पर भी देख सकते हैं। काफ़ी स्पेस दिया है, अपना इरेगुलर सामान वगैरह आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं इतनी स्पेस में। ये जो 4 BHK का रूम हाउसेस है, ये इसका मिलता है ओपन टेरेस। काफ़ी बड़ी साइज़ का इसके अंदर में आपको ओपन टेरेस देखने के लिए मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे 2000 लीटर का वाटर टैंक है, और यहाँ दो इसके अंदर में आपको वाटर टैंक देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वाले के अंदर पोर्टेबल वाटर है फर्स्ट वाले के अंदर, और सेकंड वाले के अंदर अपना नॉर्मल जो पानी होता है। तो आपको और बताता चलूँ कि ये सोसाइटी के अंदर में है रूम हाउसेस 4 BHK के। इसके अंदर में आपको अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। कुछ रूम हाउसेस इसमें से सेल हो गए और कुछ रूम हाउसेस बाकी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको ये प्ले एरिया देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, और वो उसका जिम मिलता है, और इसमें भी प्ले एरिया मिलेगा आपको। और फ्लैट्स वगैरह भी चाहते हैं अगर आप, तो इसके अंदर में फ्लैट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा डिटेल वीडियो हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेटेड वीडियो है। आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो सब देखना पड़ता है, तो ये पूरा आपको हमने इसके अंदर डिस्क्राइब करा है किस तरीके से प्रॉपर्टी है। तो ये NF44 की प्रॉपर्टी है, और इसका प्लॉट एरिया जो है तो 860 स्क्वायर फीट है, ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर फीट के करीब है। इस प्रॉपर्टी का अदर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ये 1 गेट सोसाइटी है, इसके अंदर में आपको बहुत सारी अमेनिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे कि प्ले एरिया आपने देखा, और बहुत सारी अमेनिटीज़ है। इसके अंदर में आपको मस्जिद भी अवेलेबल होंगी। अगर आप ये साइट आके विजिट करना चाहते हैं तो राइट साइड में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप आके साइट विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह की प्रॉपर्टी अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके रिलेटिव में आप शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।